हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर 4 का अभ्यास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरु, तो इसके उच्चारण करने हैं। तो पहला क्या है, ऊपरी, अध, उच्च, नीचे, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। तो इन शब्दों का हमने उच्चारण कर लिया, आप भी उच्चारण करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मजुसातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, तो मजुसा में दिए गए पद से जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो पहला है क, वृक्षस्य खगा वसंती, तो वृक्ष जो है वृक्ष के ऊपर क्या बसते हैं पंक्षी, तो वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती, तो यहाँ पे होगा ऊपरी। फिर है विवादेन, इसके साथ आएगा अलम, अलम विवादेन मतलब विवाद मत करो, अलम तृतीया विभक्ति के साथ यूज होता है, अलम विवादेन। वर्षा काले गृहात मा गच्छत, मतलब वर्षा काल में घर के बाहर नहीं जाते, तो बही, बही मतलब बाहर, बही। फिर अगला क्वेश्चन है मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, तो मंच के नीचे, तो अध, अध मतलब होता है नीचे, कौन है श्रोतागण बैठे हैं। फिर है छात्रा विद्यालयस्य अंतः मतलब अंदर, अंतः प्रविशन्ति, तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, अशुद्धम पदम चुनत, तो इसमें जो है अशुद्ध पद हमें चुनना है। तो क है गमंती, यच्छंती, पृच्छंती, धावंती, तो इस शब्द समूह में बहुवचन का प्रयोग किया गया है, लेकिन गम की धातु को गमंती लिखा है, इसका सही क्या होगा गच्छंती, इसका करेक्ट क्या है गच्छंती, गच्छंती ये करेक्ट है। तो अशुद्ध कौन सा है गमंती, गमंती अशुद्ध है और इसका शुद्ध जो है वो गच्छंती होता है। फिर ख है रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, तो तृतीय विभक्ति के समूह में गजेण अशुद्ध है, गजेण अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा गजेण, गजेण इसका शुद्ध है, मैं शुद्ध वाला यहां लिख दे रहा हूं, इसका शुद्ध क्या हो सकता है इसका, और अशुद्ध जो हमें चुनना है वो ये है। ग है लत्या, मात्या, रम्या, निश्या, तो इस शब्द समूह में मात्या जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसके तृतीय विभक्ति के समूह है, इसका सही जो है वो होगा मात्रा। फिर ग है लते, रमे, माते, प्रिय, तो इसमें अशुद्ध क्या है माते, क्योंकि ये संबोधनवाचक शब्द हैं और इसका सही जो है संबोधन होता है माता, माते का शुद्ध क्या है माता, तो इन सब में अशुद्ध क्या है माते, ये संबोधन वाचक शब्द है। फिर है लास्ट लिखति, गर्जति, फलति और सेवति में अशुद्ध क्या है सेवति, इसका एक वचन के साथ इसका सेवत यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अशुद्ध इस समूह में क्या है सेवति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के मजुसात समानार्थक पदान चित्वा लिखत, मतलब मजुसा में दिए गए जो पद हैं उनके समानार्थ लिखने हैं। तो पहला शब्द है प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, तो इसका समानार्थक शब्द है लब्ध्वा, इसका भी वही मीनिंग है प्राप्त करके। तो कुशला, कुशला मतलब कुशल, तो इसका होगा दक्षा, दक्षा मतलब भी कुशल ही होता है, तो ये दक्षा यहाँ पे यूज होगा। फिर है हर्षस्य, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा प्रसन्नताया, प्रसन्नताया दोनों का मतलब खुशी से ही है। फिर देहस्य, देहस्य मतलब शरीर से है, तो शरीरस्य होगा।
फिर क्या है वैद्यम, तो वैद्य जो है जो आपकी बीमारियों को दूर करता है उसका होगा चिकित्सकम, चिकित्सकम। ठीक है, अब हम पांचवा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, तो नीचे लिखे गए प्रश्नों का एक पद एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है मंचे कति बालकवय उपविष्टा सन्ति, तो मंच पे कितने बालक जो है बैठे हुए हैं, तो कितने कवि थे हमारे मंच पे, चत्वारः मतलब चार, चार कवि जो है मंच पे बैठे थे। अगला क्वेश्चन है के कोलाहलम कुर्वन्ती, तो कौन कोलाहल कर रहे हैं शोरगुल कर रहे हैं, तो श्रोतारः जो श्रोतागण है वही शोरगुल कर रहे हैं, इसका एक शब्द में क्या आंसर है श्रोतारः। फिर ग है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, तो जो गजाधर कवि है वो किस पे अपनी कविता प्रस्तुत करता है, तो वो किस पे प्रस्तुत करता है आधुनिक डॉक्टर जो होते हैं आधुनिक वैद्य पे, तो होगा आधुनिकम वैद्यम, तो आधुनिक वैद्य पे गजाधर कविता प्रस्तुत करता है। फिर गा है तुंदिला कस्य उपरी हस्तम आवर्त्यति, तो तुंदिला मतलब जो पेटू है वो कभी किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है, तो अपने तूंद के ऊपर ही हाथ फेरता है, तो उसका जो आंसर है वो क्या है तुंदस्य मतलब तूंद के ऊपर या पेट के ऊपर, इसका एक पद में आंसर क्या है तुंदस्य। फिर अगला क्वेश्चन है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, मतलब जो संसार में बार बार क्या होता है, तो इसका आंसर है शरीराणि। फिर है किम कृत्वा घृतम पिवेत, तो क्या करके जो है घी पीना चाहिए, तो इस उसमें जो है एक ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, मतलब ऋण ले करके भी हमें घी पीना चाहिए या फिर श्रम करके भी घी पीना चाहिए, तो इसका हम जो है श्रमम लिखते हैं, श्रमम जो है श्रम करके हमें घी पीना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है मजुसात पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत, तो मजुसा में दिए गए शब्दों का उपयोग करके हमें इस कथा को कहानी को पूरा करना है, तो पहले तो कहानी को हम पूरा करते हैं। पूरा एकस्य नृपस्य एकः, यहाँ पे क्या होगा प्रिय वानर आसीत, तो मतलब पुराने समय एक राजा का एक प्रिय वानर मतलब चाहने वाला चाह जो इसको राजा चाहता था वो वानर था, वानर मतलब बंदर। फिर एकदा नृप, एकदा नृप यहाँ पे क्या होगा सुप्त, सुप्त आसीत, तो इसका अर्थ है एकदा नृप सुप्त आसीत, एक बार राजा सोया हुआ था, और वानर व्यजनीन यहाँ पे क्या होगा व्यजनीन, व्यजनीन तमम अवीजियत, तो जैसे पंखे से हवा डुलाना होता है वो जो है वानर कर रहा था। फिर अगली लाइन है तदैव एका, तदैव एका मच्छिका, यहाँ पर होगा मच्छी मच्छिका निपश्य नासिकायम मतलब नाक पर उपविशति, उपविशति मतलब बैठना, तभी जो है एक मच्छी मतलब जो मक्खी है वो राजा के नाक पे बैठ गई। फिर अगली लाइन है यद्यपि वानर वारम वार मतलब बार बार, वारम वारम मतलब बार बार, यद्यपि वानर वारम वारम व्यजनेना ताम निवारयति स्म तथापि सा पुनः पुनः निपश्य निपश्य नासिका नाशी कायमेव, ठीक है उपविशत स्म, तो इसका मतलब है कि जो वानर था वो बार बार अपने पंखे से उसको उड़ाता था जो मक्खी बैठी थी नाक पर, बट वो बार बार पुनः पुनः राजा के नाक पे आके बैठ जाती थी। अगली लाइन है अंते स मच्छिकाम हंतुम खड़गम, यहाँ पे क्या होगा खड़गेन, खड़गेन खड़गेन, ठीक है आप मजूसा से ये शब्द ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें खड़गेन लिखा है खड़गेन प्रहारम अक्रोत, तो अंत में वह क्या करता है मतलब वानर
जो मक्खी है उसको मारने के लिए खड्ग मतलब जो तलवार है, खड्ग मतलब तलवार से प्रहार करता है। अगली लाइन है मच्छिका त उड्डीय दूरम, यहाँ पे क्या होगा दूरम गता, मतलब मच्छी तो दूर उड़ गई, दूरम गता किंतु खड्ग प्रहार ऋण निपश्य नाशिका छिन्ना, मतलब कट गई छिन्ना अभवत, लेकिन खड़ के पहाड़ से राजा का नाक जो है वो क्या हुआ कट जाता है। अत एव चेत ऐसा कहा गया है मूर्ख जने स मित्रता नोचिता, तो जो मूर्ख बेवकूफ लोग होते हैं उनके साथ मित्रता अच्छी बात नहीं है। तो ये आपकी कहानी पूरी हुई, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विलोम पदान योजित, जो जो आपके विलोम पद हैं उनको मिलान करना है, जो एंटोनिम्स हैं इसके उसको मिलान करना है। तो अधा मतलब होता है अधा मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, तो ये इससे हो गया। अंतः मतलब अंतर, बही मतलब बाहर। फिर अगला क्या है दुर्बुद्धि, तो इसका क्या होगा सुबुद्धि, तो दुर्य जो बुरी बुद्धि वाला है उसका क्या है अच्छी बुद्धि वाला। उच्च का क्या होगा नीचे, तो उच्च मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे। दुर्लभम का क्या होगा सुलभम। तो ये हमने क्लास 7 चैप्टर 4 का अभ्यास किया है। थैंक यू।